लोमड़ी और ढोल। एक दिन एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने कुछ ऊंची आवाजें सुनी। लोमड़ी डर गई। उसने सोचा, ये कितनी भयंकर आवाज है, ये जंगल में से गूंज रही है, ये किसी अजीब से जानवर की आवाज लग रही है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तब उसने अपना विचार बदल दिया। उसने सोचा, अगर मैं जंगल से भाग गई तो मैं भोजन के बिना मर जाऊंगी। मैं स्वयं को छुपा लेती हूँ और देखती हूँ कि ये जानवर कितना बड़ा है। अगर तो ये मांसाहारी जानवर हुआ तब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लोमड़ी ध्वनि की दिशा में चल पड़ी। और उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा ढोल देखा। जैसे ही पेड़ की शाखाएं इससे टकराती, ये ऊंची ध्वनि पैदा करता। वह ढोल शायद किसी लड़ाई के बाद सैनिक वही भूल गए होंगे। लोमड़ी पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। उसने सोचा, यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर इस विशाल जानवर ने मुझे देख लिया तो यह मुझे अपने भोजन के लिए मार डालेगा। अब मुझे ये जंगल छोड़कर चले ही जाना चाहिए। लोमड़ी ने दोबारा सोचा, ये जंगल तो मेरा घर है, मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि डर में कभी भी शीघ्र निर्णय मत लो। मुझे इसके पास जाना चाहिए और इसे पास से देखना चाहिए। लोमड़ी ढोल के पास गई। उसने स्वयं से कहा, जैसे ही ये जानवर मुझ पर हमला करेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन जानवर ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लोमड़ी इसके और पास गई, लेकिन जानवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब लोमड़ी ने सोचा, मुझे इसे छूना चाहिए। उसने अपने पंजे उठाए और ढोल पर चोट की। ध्वनि पैदा हुई और सारा जंगल इस ध्वनि से गूंज उठा। लोमड़ी पीछे को हट गई। ये दोबारा इसके नजदीक गई। अब ये डरी हुई थी। उसने सोचा, ये जानवर कितना बड़ा है, इसकी चमड़ी कितनी सख्त है, ये बहुत ही गुद्देदार होगा। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी इसके ऊपर चढ़ गई और इसे काटने की कोशिश करने लगी। लेकिन ढोल का चमड़ा इतना सख्त था कि इसे काट पाना बहुत मुश्किल था। लोमड़ी हैरान हो गई। लोमड़ी ने स्वयं से कहा, इतना बड़ा जानवर और इतना असहाय, ये मेरा हमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेचारा जानवर। लोमड़ी ने इसे काटने की बहुत कोशिश की। उसका दांत टूट गया। उसके मुंह में से खून टपकने लगा। दोबारा से उसने अपनी पूरी ताकत से चमड़े को काटा। ये उसे काटने में सफल हो गई। अब इसे फाड़ना आसान हो गया। लोमड़ी बहुत उत्तेजित थी। वे हैरान थी कि मैंने इसे काटा और फाड़ा लेकिन कोई खून नहीं। लोमड़ी ढोल के अंदर चली गई। ये खाली था। लोमड़ी ये देखकर निराश हो गई। उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला और दांत भी टूट गया। दोबारा से हवा चली, लेकिन अब शाखाओं के ढोल से टकराने पर कोई आवाज पैदा नहीं हुई। लोमड़ी ने स्वयं से कहा, मुझे अपना दांत गंवाने का कोई गम नहीं। मैं खुश हूँ कि मैंने अपना डर गंवा दिया। मैंने उस बड़े जानवर को मार दिया। लोमड़ी अपने आप पर घमंड महसूस कर रही थी। वह अपना ऊंचा सिर उठाकर दोबारा से भोजन की तलाश में घूमने लगी।